पूछता है उत्तराखंड, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज पूछता है उत्तराखंड में सवाल अपने आप में बड़ा, वो सवाल जो सियासी बवाल खड़ा कर सकता है, वो सवाल जो सीधे तौर पर न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने हाल ही में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से पूछा था, और उसका जवाब देते देते कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सीधे तौर पर कर्नल कोठियाल पर वार कर दिया। कर्नल कोठियाल, आम आदमी पार्टी के चेहरे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार गणेश जोशी, थामी सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का दावा, जो न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने इंटरव्यू लिया था, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हुए और उत्तराखंड के भीतर सियासी बवाल भी हुआ, आज उसी पर कर्नल कोठियाल को एक बार फिर से जवाब देना पड़ा। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूज वर्ल्ड इंडिया के पत्रकार सुभाष गौड़ ने वो सवाल किया, और सवाल का जवाब कर्नल कोठियाल ने क्या दिया वो हम आगे आपको बताएं। लेकिन गणेश जोशी ने, जब हमने उनसे इंटरव्यू लिया था, तब गणेश जोशी ने सीधे तौर पर कर्नल कोठियाल पर ये कहते हुए वार किया था, कैसे फौजी, कौन से फौजी, और केदारनाथ आपदा परते खुलेंगी तो बात दूर तक जाएगी। बातों ही बातों में गणेश जोशी ने यह तक कह दिया था कि फाइल खोल देंगे। आज जब हमारे सहयोगी सुभाष गौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल कोठियाल से यही सवाल पूछा, तो कर्नल कोठियाल ने भी वार पर पलटवार कर दिया। कर्नल कोठियाल ने सीधे तौर पर कहा कि अगर उन्हें फाइल चाहिए तो एक एक फाइल मेरे पास, अगर उन्हें सबूत चाहिए तो प्रमाण मैं दे दूंगा, अगर कुछ सीखना है तो केदारनाथ में किए गए मेरे द्वारा कामों से सीखे। अगर इतनी हिम्मत है गणेश जोशी में तो इस केदारनाथ में, इस मौसम में वो चल के दिखा दे। यानी एक तरफ गणेश जोशी कर्नल कोठियाल पर वार पर वार कर रहे हैं, और कर्नल कोठियाल अब खुद रण में आकर जंग का ऐलान कर रहे हैं। ऐलान जंग दोनों तरफ से हो चुका है। तो अब सवाल ये कि गणेश जोशी जो बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, जिन सबूतों का हवाला दे रहे थे, जिस फाइल को खोलने की बात कर रहे थे, वो कौन सी फाइल है, वो कौन से आरोप है, केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में क्या वाकई में कोई घोटाला हुआ, या जानबूझकर कर्नल कोठियाल को बदनाम करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है, या फिर कर्नल कोठियाल वाकई में कुछ छिपा रहे हैं, या अभी वक्त का इंतजार किया जा रहा है और कर्नल कोठियाल को लेकर बीजेपी कोई बड़ा खुलासा करने वाली है, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं जब कर्नल कोठियाल से हमारे सहयोगी सुभाष गौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछा, और सुभाष गौड़ के सवाल पर कर्नल कोठियाल ने क्या कुछ कहा, पहले ये बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, जहां हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे और साथ ही साथ मेरे सहयोगी भी। लेकिन पहले उस बयान को ध्यान से सुनिएगा जो कर्नल कोठियाल दावा कर रहे हैं, सीधे तौर पर गणेश जोशी को चुनौती दे रहे हैं, और फिर मैं आपको वो बयान भी सुनाऊंगा जिसमें गणेश जोशी ने कर्नल कोठियाल पर वार किए और बेहद गंभीर आरोप लगाए थे उस दरमियान भी। लेकिन पहले सुनिए कर्नल कोठियाल ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है इस पूरे मसले को लेकर, जो न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने इंटरव्यू लिया था गणेश जोशी का कैबिनेट मंत्री धामी सरकार में। सुनिए जरा क्या कुछ कहा कर्नल कोठियाल ने, सुनिए। कर्नल साहब, गणेश जोशी ने आरोप लगाया कि केदारनाथ आपदा में आपने जो काम किए उसकी परत हम चुनाव के समय में खोलेंगे, आपका क्या स्टैंड है इस पे? हमारी जितनी फाइलें खुलेंगी ना उतनी तरक्की होगी इस उत्तराखंड की, उन्हें समझ में आएगा काम कैसे करते हैं। गणेश जोशी जी का नाम तो खैर मैं क्या लूँ, वो तो खाली आरोप ही लगाते हैं, उनका तो फेमस है, ताकत है, उसे बोलते हैं हॉर्स पावर, एक डंडे से एक घोड़ा मार दिया जाता है बढ़ायक करके, तो उनकी हॉर्स पावर से ना दूर रहना चाहिए, उत्तराखंड की तरक्की की तरफ देखना चाहिए। अजय कोठियाल ने, अगर अजय कोठियाल की केदारनाथ की एक फाइल खोलोगे ना तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, दिखेगा कैसे कमीशन आज जो काम चल रहे हैं वहाँ पे वो किस कीमत के होते हैं और अजय कोठियाल ने किस कीमत पे करे। अगर टाइम फैक्टर देखोगे
सरकार ने जब बोला कि 5 साल काम नहीं हो सकता है, सरकार वो नहीं चल सकती, यात्रा नहीं चल सकती, हमने 1 साल में एक टीम को बना करके, खाली अकेले हमने नहीं, उस टीम को बना करके केदारनाथ में काम करा। तभी तो हमें भोले का फौजी बोलते हैं। फाइलें हमारे पास पड़ी हैं, हम दे देंगे, उन फाइलों को पढ़ो और फॉलो करो। ये जो ब्रिज है ना यहाँ पे टूटा हुआ डोईवाला में, 6 महीने में बन जाएगा अगर उस फाइल को फॉलो करेंगे वो। अगर हमारी फाइलें खोलेंगे तो इनको सीखने को मौका मिलेगा। उन्हें इलेक्शन से बाद नहीं, अभी 3 महीने पहले ही खोल देनी चाहिए। कुछ तो तरक्की होगी हमारे उत्तराखंड समाज की। तो सीधे तौर पर बार और पलटवार हो रहा है, और सियासत के नजरिए से गणेश जोशी का यह बयान सियासी तूफान लेकर आया, जिसको लेकर कर्नल कोठियाल ने वार का जवाब पलटवार से दिया। फौजी अंदाज में कर्नल कोठियाल ने भी चुनौती लगा ली और कहा कि जिन फाइलों का जिक्र किया जा रहा है, एक एक फाइल मेरे पास, सबूत मेरे पास है, आज मैं देता हूं। और कटाक्ष ये किया कि इस मौसम में अगर गणेश जोशी पैदल चल जाए केदारनाथ में तो वो हॉर्स पावर में मान जाऊंगा। हॉर्स पावर मतलब वो इशारा था वो घोड़े की टांग तोड़ने वाले प्रकरण का। और गणेश जोशी ने सीधे तौर पर न्यूज वन इंडिया की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये आरोप कर्नल कोठियाल पर लगाए। हम तब भी ये कह रहे थे और आज भी ये कह रहे हैं, फौजी का अपमान अच्छी बात है, लेकिन हाँ, कर्नल कोठियाल पर जो गंभीर आरोप बीजेपी लगा रही है, गणेश जोशी लगा रहे हैं, उनके पास अगर रत्ती भर भी सबूत है तो वो सार्वजनिक होना चाहिए। वो सार्वजनिक होना चाहिए सबूत जिसका जिक्र वो कर रहे थे। और कर्नल कोठियाल को अगर बदनाम करने की कोशिश बीजेपी कर रही है तो फिर एक फौजी के अपमान से ये पूरा का पूरा मसला जुड़ जाए। और अगर रत्ती भर भी खुले मसले को लेकर सच्चाई है तो कर्नल कोठियाल को भी खामोश नहीं रहना चाहिए। कर्नल कोठियाल को भी सामने आकर उन सबूतों का जिक्र करना चाहिए जो आरोप उनके ऊपर लगाए। केदारनाथ पुनर्निर्माण को लेकर पूरा का पूरा यह मसला है। हम सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। मैं आपको बता दूं, आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ सुमा सिसोदिया जी, जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। अनिल भास्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। साथ ही साथ मेरे सहयोगी सुभाष गौर मेरे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल कोठियाल से सीधे तौर पर यह सवाल पूछे जिसे आप कुछ देर पहले देख रहे हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी के नेता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन सबसे पहले उमा सिसोदिया जी, आरोपों में दम दिखाई दे रहा है, कौन सी फाइल का जिक्र कर्नल कोठियाल साहब कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक एक फाइल मेरे पास है। ये प्रश्न तो गणेश जोशी जी से पूछना चाहिए कि अगर आपके पास फाइलें हैं, अगर आपके पास सबूत हैं कर्नल साहब के भ्रष्टाचार के, सो कॉल्ड भ्रष्टाचार जो कर्नल साहब के लिए बोल रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, और हमारे पास फाइलें हैं, भाई आपके यहाँ पर दिल्ली की सरकार तो है नहीं कि आपके पास पुलिस आपके पास नहीं और मिलिट्री आपके पास नहीं। आप तो एक पूर्ण राज्य की सरकार है, आपको तो किसी के सामने अपनी फाइलें जो है एलजी के सामने पेश भी नहीं करनी है। यहाँ तो आप धामी जी की पूर्ण राज्य की सरकार है, पुलिस प्रशासन आपके अंदर में आता है। एक फोन धामी जी मिलाए अभी अशोक कुमार डीजीपी साहब को और कर्नल साहब को पकड़िए और अंदर कर दीजिए अगर आपके पास इतनी सारी फाइलें हैं तो। सिर्फ शबूते छोड़ देना, सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए गणेश जोशी ने जिस तरीके का ये प्रकरण यहाँ पर किया है वो मतलब शर्मनाक है। आप एक फौजी से इतना घबरा चुके हैं, एक आम आदमी पार्टी की आमद से आप इतना घबरा चुके हैं कि आप बिना सबूतों के और सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए आप आरोप लगा रहे हैं। हम तो कहते हैं, खुद आज कर्नल साहब ने इस बात को बोला है कि अगर आप मेरे पास सारी फाइलें हैं आप आइए और फाइलें चेक कर लीजिए। भाई यहाँ दिल्ली की सरकार तो है नहीं कि आपको एलजी साहब से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, आप तो करता धरता पूरे आगे बताता है। कर्नल साहब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, आपको ये लगता है? देखिए चुनाव का टाइम है, सिर्फ कर्नल साहब नहीं और भी तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर कुछ ना कुछ आरोप, कुछ ना कुछ प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो शुरू हो चुकी है, ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो ये जो कर्नल साहब को बदनाम करने की साजिश जो गणेश जोशी जी कर रहे हैं उनको इस साजिश, मैं तो गणेश जोशी जी को बोलती हूँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो सामने आइए, ये वही गणेश जोशी है। गणेश जोशी कह रहे हैं कि भाई मैं तो फौजी नहीं मानता कर्नल साहब को,
इसमें तो गणेश जोशी जी के एक साइकाइट्रिस्ट को बुलाकर गणेश जोशी जी के मानसिक स्तर की जांच करा लेनी चाहिए कि क्या वाकई में गणेश जोशी जी की बुद्धि जो है वो सही है, ठिकाने पर है। कर्नल साहब को अगर वो फौजी नहीं मानते हैं तो फिर किसको फौजी मानेंगे। मैं समझती हूँ कि गणेश जोशी जी जिनने जिस तरीका ये जो बयान दिया है यही यही सच्चाई है बीजेपी की, यही सच्चाई है। देखिए देखिए आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के साथ हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और आपकी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और वो भी केदारनाथ पुनः निर्माण के कार्य को लेकर। आप लोग नहीं चाहते कि ये चुनौती स्वीकार की जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सरकार को आप लोग प्रमाण है तो जांच करें। चावला जी आज कर्नल साहब ने बोला है मेरे पास सारी फाइलें हैं, आप आइए और जांच कर लीजिए। मैं तो बोलती हूँ लेट हो रहे हैं गणेश जोशी जी, बिल्कुल कर्नल साहब के यहाँ से उठाइए सारी फाइलें और जांच कर लीजिए। सामने सामने बोल रहे हैं हम तो। अगर गणेश जोशी जी ने बिल्कुल बिल्कुल अगर अगर गणेश जोशी जी को लगता है कि कहीं कर्नल साहब ने घोटाला किया है तो बिल्कुल जांच हो जानी चाहिए। गणेश जोशी जो आरोप लगा रहे हैं और उसका जवाब कर्नल को क्या दे रहे हैं, चल क्या रहा है। देखिए सबसे पहली बात जोशी जी चुनावी टाइम है, गणेश जोशी जी और के समेत पूरी ही बीजेपी को लग रहा है, पूरी पूरी ही बीजेपी को ये लग रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी के आने से उनकी जो सत्ता की जो चूल्हे हैं वो हिली हुई हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनको इस तरह का बोल रहे हैं। देखिए ऐसा है तो बीजेपी की स्थिति ऐसी हो गई है कि जो उनके साथ है वही असली हिंदू है, वही असली सैनिक है, वही असली मतलब कोई भी बिरादरी हो वही असली बिरादरी है, वही असली ब्राह्मण है, जो उनके साथ है। बाकी सब फर्जी हैं, सब देशद्रोही हैं, सब सबकी स्थिति ऐसी है कि कोई खालिस्तानी पाकिस्तानी नालायक ये वो सब चीजें हैं। दूसरी बात यह है कि यदि गणेश जोशी जी के पास उनके वास्तव में जैसा भी बात हो रही थी तो उनको तुरंत ये खुलासा करना चाहिए, वरना वो उत्तराखंड की जनता का अपमान कर रहे हैं। और उसमें जिस प्रकार की बात आई है केदारनाथ मंदिर में, जो आस्था का मंदिर है जहां पर जाकर के मोदी जी अपनी साधना की बात करते हैं और जिसमें अपना माथा नतमस्तक करके वो गुजरातियों को गुमराह करते हैं, पूरे देश को गुमराह करते हैं, अगर वहां घोटाला हो रहा है और बीजेपी की सरकार उसको दबा के बैठी हुई है तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती कि वो लोग बीजेपी के लोग जो है आस्था के नाम पर भी घोटाला करने में कोई पीछे नहीं है और उसको दबाने पीछे नहीं है। नहीं, मैं उसमें दूसरी बात भी कहना चाह रहा हूँ। और यदि इसमें ये बात सीधी सीधी है कि अगर कोठियाल जी को अगर बदनाम कर रहे हैं तो कोठियाल जी को सामने आकर के बताना चाहिए, फाइल उनके पास है, ओपन है तो कीजिए ना, उनको भी ओपन आगे करनी चाहिए। सबसे पहले तो इसमें मैं कहना चाहता हूँ गणेश जोशी जी और जो भी बीजेपी के लोग हैं कि उनको सीधा सीधा जो आरोप उन्होंने लगाया है उसको लाके जनता के सामने रखना चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है। केदारनाथ मंदिर विश्व में बहुत ही आध्यात्मिकता के रूप में और उसमें आस्था के लोग, करोड़ों लोग, अरबों लोग उसके वहां की आस्था रखते हैं। तो ये उस इस प्रकार से बदन मंदिर को बदनाम करने का, एक हमारी आस्थाओं को कुठाराघात करने का, उसको क्षति करने का काम है। इस काम को बीजेपी बहुत अच्छे से कर रही है कि वो हिंदुओं पर ही उनके अंदर इस प्रकार के बीज भर रही है कि वो अपने ही धर्म के लोगों को, अपने ही भगवान के मंदिरों को उनको यानी मैं मान लूंगा कि पूरे मसले को लेकर आप लोग कर्नल के साथ खड़े हैं। नहीं, मैं कर्नल जी के साथ तब तक खड़ा हूँ जब तक वो फाइल ओपन नहीं करते हैं। अगर वो जब जो या तो उनके पास अगर सबूत है तुरंत तत्काल वो फाइल ओपन करें, और यदि वास्तव में कोई घोटाला नहीं है तो जनता के सामने आकर के माफी मांगे कि हमने गलती की है। तो सीधी सीधी बात है, वो जनता का अपमान कर रहे हैं, सिर्फ उत्तराखंड की जनता का नहीं कर रहे हैं, वो पूरे देश का, पूरे हिंदू समाज का और पूरे उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जो केदारनाथ भगवान के मंदिर में आस्था रखते हैं। सुभाष, ये तो बवंडर हो गया। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के उस इंटरव्यू के बाद पूरा का पूरा बवंडर खड़ा हो गया और उस वक्त भी हमने ये साफ तौर पर कहा था सुभाष, क्योंकि आज आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, आपने खड़े होकर उस सवालों का कर्नल साहब के सामने रखा और तब भी हमने जब ये इंटरव्यू दिखाया उसके बाद इस पूरे विषय को लेकर जब बवाल हुआ ना तब भी हमने कहा था कि पूरे आरोप प्रत्यारोप में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, कर्नल साहब को बदनाम करने की कोशिश हो रही है या वाकई केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य में कुछ घोटाला है, इसमें पर्दाफाश होना चाहिए। वो टाइमलाइन पर आज भी वो इंटरव्यू और हजारों लोग उसको देख पाए, गणेश जोशी के इंटरव्यू। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये उत्तराखंड की सियासत में कोई एक संकेत मिल रहा है कि आने वाले वक्त में बीजेपी कर्नल कोठियाल को लेकर कोई बड़ा खुलासा करने वाली है या फिर कर्नल कोठियाल को बदनाम करने की एक कोशिश है। ये आरोप सिर्फ आरोपों के आधार पर आरोप है क्योंकि राजनीति में आरोप लगाने के लिए सबूत की जरूरत नहीं है। सुभाष चल क्या रहा है?
बिल्कुल तिलक जी, जैसे कि आपने पहले ही कहा कि हम लोग ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि ये सरकार के जो मंत्री हैं गणेश जोशी, उनके ये आरोप हैं, वो उनके पास वो सबूत है। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब वो उन सबूतों को लेकर जनता के सामने आएंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जब कोई आरोप लगाता है राजनीति में, तो वही विपक्ष यानी कि जिस पर आरोप लग रहा है उनकी जवाबदेही भी बहुत जरूरी होती है और उनका जवाब देना भी बहुत जरूरी होता है कि आखिरकार वो जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो सत्य है या निराधार है। लेकिन एक बड़ी चीज मैं ये समझ रहा हूँ कि जब ये आरोप लगा उसके बाद हमने कई बार कर्नल साहब से बात करने की कोशिश की, उनसे उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश की, वर्जन जानने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा समय उन्होंने वर्जन देने में लगा दिया। लेकिन आज जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तब हमने उनसे सवाल किया, यानी कि कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं इस सवाल से छिपने की कोशिश करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि लगभग ये माना जा सकता है 20 से 25 दिन पहले हमने उनसे फोन पर बात करने की कोशिश की, उनकी मीडिया टीम से बात करने की कोशिश की और कहा कि हमें इस पर वर्जन चाहिए कर्नल साहब का, लेकिन कर्नल साहब भी इससे कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारा कहना केवल इतना है कि यदि गणेश जोशी जी के पास सबूत हैं तो वो सार्वजनिक करें, और यदि कर्नल साहब साफ सुथरे हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं इस पर अपनी साफ सुथरी टिप्पणी देनी बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल सही सुभाष जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर कर्नल साहब बेदाग हैं तो उनकी वर्दी पर दाग दिखाना ये राजनीति के भीतर गिरता हुआ स्तर है, लेकिन सच्चाई अगर है, रत्ती भर भी सच्चाई है, तो वो सबूत गणेश जोशी जी को सार्वजनिक करने चाहिए, सार्वजनिक करने चाहिए। अनिल भास्कर साहब क्या कुछ कह रहे हैं अपनी बात करके, फिर उमा जी आपके पास आ रहा हूं, और फिर उसके साथ साथ गणेश जोशी का वो इंटरव्यू भी आपको हम और साथ ही साथ सुनाएंगे। जब गणेश जोशी ने सीधे तौर पर पूरे मसले को लेकर न्यूज वन इंडिया ने जब उनसे इंटरव्यू किया था तब आरोप लगाए थे। लेकिन अनिल जी अपनी बात रखिए, क्या कहना चाह रहे हैं। मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की नूरा कुश्ती चल रही है कि एक आरोप लगा रहा है, आरोप के सबूत नहीं दे रहा है, दूसरा कह रहा है कि आप पैदल चल के दिखाइए, और आपस में जिस प्रकार की तूतू मैं करके जो असली मुद्दे हैं उत्तराखंड के, उसमें किसी प्रकार से वो जो कांग्रेस पे वो पीछे करने का प्रयास है, वही वाली बात जो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम, ठीक है ना, तो बीजेपी की बी टीम है आम आदमी पार्टी, उसमें किसी प्रकार से अपने आप को आगे ला करके न्यूज में बना के रखना और जो असली मुद्दे हैं उससे अलग करना, ये काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं और उसमें निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी उसको सहयोग कर रही है, हमें सीधा सीधा ये लगता है। और यदि मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि आपको बहुत गंभीर आरोप लगाया है कांग्रेस को फाइट से बाहर करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हमारी लड़ाई आम आदमी पार्टी से है, जानबूझकर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे कर्नल कोठियाल पर। बिल्कुल, और उसमें भगवान केदारनाथ के मंदिर का अपमान किया जा रहा है। एक सेकेंड, देखिए तिलक जी कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि एक तरफ ये लोग दावा करते हैं कि हमारी सरकार बन रही है, ठीक है, हम जिस सरकार बनवा रहे हैं, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बनने वाले एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दूसरी तरफ वो एक सेफ पैसेज भी लेकर चल रहे हैं कि इनकेस अगर इनकी जमानतें सबकी जब्त हो गई और ये लोग 10-10 के अंक तक भी नहीं पहुंचे तो ठीकरा किसके ऊपर फोड़ेंगे। पहले से वो सेफ पैसेज को भी लेकर चल रहे हैं कि ठीकरा फिर हम आम आदमी पार्टी के ऊपर फोड़ देंगे कि इन्होंने हमारे वोट काटे और हम लोग हार गए। ये जो डुअल नीति इस समय कांग्रेस की पूरे उत्तराखंड में है, यही सबसे बड़ा कांग्रेस है कारण है कि कांग्रेस किसी कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव ही नहीं लड़ पा रही है। ये बार बार अपनी स्थिति में आप गलत कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, ये वाकई में इनके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि अगर कल को सब लोग हार गए, जमानते हमारी जब्त हो गई, हम दहाई के अंत तक नहीं पहुंचे तो ठीक रहा, हम पहले से देखो जी हम तो पहले ही आम आदमी पार्टी को मैडम चुनाव एक अलग चीज है, मैडम चुनाव एक अलग प्रक्रिया है, मेरा पूरा कहना ये है, सुन लीजिए के बात कर रहे हैं आप, हाँ, तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ, आरोप अगर किसी कांग्रेस के लीडर के ऊपर लगेंगे तो हम भी बोलेंगे लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र सबके लिए समान है। अगर कोठियाल जी पाक साफ है, मैं साफ कहना चाहता हूँ, कोठियाल जी अगर पाक साफ है तो उनको तत्काल गणेश जोशी के दरवाजे पे जाके बैठ जाना चाहिए कि भैया बताइए हमारा कौन सा सबूत आपके पास है, ओपन कीजिए, वरना उनको उनको मेरा सवाल सुन लीजिए मैं ये नहीं कह रहा कि कर्नल कोठियाल जाकर उनके घर के बाहर धरने का, लेकिन आम आदमी पार्टी
आप कार्यकर्ता हैं, पार्टी का चेहरा हैं और आपकी छवि ईमानदार छवि, आप उसी आधार पर चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपके दामन पर कोई दाग निशान, क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मैं कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं, आप लोग जाकर गणेश जोशी से सबूत नहीं मांग सकते कि आपने हमारे मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से गणेश जोशी जी को बोल रही हूं, भाई सरकार आपकी, डीजीपी साहब आपके, पूरी पुलिस आपकी, आप फोर्स भेज दीजिए और गिरफ्तार कर लीजिए, उनके घर से फाइल उठाइए, एसआईटी की जांच करवा दीजिए। आप इस तरह की, वो ये कह रहे कि अगर हमारे नेता पर कोई इस तरह का आरोप लगाता हम लोग धरने पर बैठ जाते, आप सबूत दीजिए अगर आप सरकार में है तो, क्या आपको सबूत नहीं मांगने चाहिए कि कर्नल साहब को लेकर आपने कोई गंभीर आरोप लगाया? आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, बिल्कुल चाहिए और हम लोग मांग रहे हैं सर गणेश जोशी जी से सबूत। भाई अगर हमने गलत किया तो आगे पकड़ लीजिए, आप नूरा कुश्ती मत कीजिए, वाकई में शब्द बिल्कुल ठीक है, आप जो कहना चाहते छदम युद्ध जो हुआ इस तरह बीजेपी कर रही है कि आरोप लगा दिया उसके बाद सामने नहीं आने, सबूत मांगते बोलिए भास्कर क्या कहना चाह रहे हैं। बता, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनको तुरंत धरने पे बैठ जाना चाहिए था कि वो सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो भगवान केदारनाथ के मंदिर को बदनाम कर रहे हैं बीजेपी के लोग, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि वो कोठियाल जी को सैनिक नहीं मानते हैं, मिलिट्री से जुड़ा हुआ, सेना से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं मानते हैं, तो वो दोनों चीजों पर अपमान कर रहे हैं, यानी कि सेना का भी अपमान कर रहे हैं और दूसरा भगवान का अपमान कर रहे हैं। और अगर आम आदमी पार्टी उन दोनों चीजों को देख करके भी शांत बैठी हुई है, सिर्फ ये बात कह रही है या कर्नल साहब ने कहा है कि ठीक है पैदल चल के दिखाइए, तो बात को हवा में उड़ाने का काम कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि ये तो नूरा कुश्ती है, इसमें कहीं भी गंभीरता दिखाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उमा जी, अनिल भास्कर बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ हवा हवाई बात कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके नेता को बदनाम किया जा रहा है तो आपको गणेश जोशी जी से सबूत मांगने, सबूत। नहीं बिल्कुल चावला जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं और भास्कर भाई ने जो बात कही है मैं इस बात को अपने हाईकमान के पास जरूर बोलूंगी कि जिस तरीके का आरोप एक सैनिक के ऊपर लगाया गया और हमारे मुख्यमंत्री चेहरे के ऊपर लगाया गया, आम आदमी पार्टी को शांत नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति है और जिस तरीके से कीचड़ उछाला जाता है चुनाव में, चरित्र पर कीचड़ उछाले जाते हैं, आर्थिक अपराध घोषित किए जाते हैं और बहुत सारी चीजों पर कीचड़ उछाला जाता है, ये चीज बंद होनी चाहिए। अगर कोई देखिए आरोप लगाने के लिए राजनीति में सबूतों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आप ये करिए। नहीं बिल्कुल, मैं इस बात को मैं बिल्कुल अपने जो हमारा हाईकमान है पार्टी का, मैं उन लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और कुछ ना कुछ सॉलिड इसमें आम आदमी पार्टी को जवाब जरूर मांगना पड़ेगा। खामोश नहीं होगी, देखिए चीज देखिए, जवाब देने में इतना समय लग गया, धरना प्रदर्शन या विरोध करने में कितना प्रदर्शन समय लगेगा वो तो अभी कहना साफ नहीं होगा, लेकिन क्योंकि जैसे कि हमने जब इंटरव्यू किया था उसके बाद ही हमने लगातार आम आदमी पार्टी की मीडिया टीम से कोऑर्डिनेट किया, उसके अलावा हमने कर्नल साहब से बात करने की कोशिश की, लेकिन हमें वर्जन नाम लोगे बताओ किसने किससे कांटेक्ट किया, नाम लोगे बताओ उमा जी को, उमा जी सबको जानती है ए टू जेड, नाम लेकर बताओ किससे कांटेक्ट किया। बिल्कुल, कर्नल साहब को हमने फोन किया, उनके पीआरओ ने फोन उठाया, उन्होंने कहा कि बात कराई जाएगी लेकिन बात नहीं हुई, उसके अलावा मीडिया की जो टीम है जो मीडिया कोऑर्डिनेशन का वहां काम करता है, तमाम जो उनके मीडिया के कहा जाए तो मीडिया प्रभारी हैं, सह प्रभारी, सबसे हमने बात करने की कोशिश की और हमने कहा कि हमें वर्जन की आवश्यकता, हम चाहते हैं कि कर्नल साहब इस पर अपना क्या वर्जन देंगे क्योंकि इतने गंभीर आरोप उन पर लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी तरफ से कोई भी बड़ा ये कहा जा सकता है कि बाइट या कोई भी हमें व्यवस्था नहीं कराई गई जिससे हम कर्नल साहब से पूछ सके, बल्कि हमसे ये कहा गया कि हम इस मामले को उछालना नहीं चाहते हैं, जो बोलते हैं बोलते रहे, उछालना नहीं चाहते। उमा जी देखिए, हम लोग निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, मैं आपको बता दूं, मैं एक बिल्कुल सिद्धांतवादी ईमानदार कोशिश हमारी है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की, हम उस भेड़ चाल में नहीं है कि राष्ट्रवाद के मसले को लेकर जनता के बीच में जाकर आपस में नेताओं को टकरा दे, लड़ा दे और गिरा दे, हमारी वो कोशिश नहीं होती है, आपने देखा भी होगा जितनी डिबेट में आप, हम पूरी ईमानदारी के साथ निष्पक्ष तरीके से हम ये चाहते हैं कि अगर किसी शख्स ने आरोप लगाया तो उस आरोपों का जवाब वही शख्स दे इसके ऊपर आरोप लगे। सुभाष हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनको बकायदा वीडियो भेजे गए, उनको बताया गया गणेश जोशी जी ने इतने गंभीर आरोप लगाए, आप लोग तैयार हैं, गणेश जोशी मुझे लगता है कि वो इशारा कर रहे हैं कि आप तैयार रहिए, हमारे पास तो सबूत है, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले वक्त में कोई बड़ा खुलासा
कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर आरोप लगाया और आप लोग देखिए चावला जी, जो आपने कहा कि गणेश जोशी जी के पास सबूत हैं, तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी भी उन सबूतों का इंतजार कर रही है। और आपने दिल्ली का देखा होगा, दिल्ली में जब हमारा चुनाव था, जब हम लोग दूसरा चुनाव लड़े थे 2013 का, तो हम लोग 70 सीटों पर नहीं लड़े थे, हम लोग 69 सीटों पर चुनाव लड़े थे। चावला जी, आपको आपको दिल्ली के बारे में मैं अगर बताऊं, चुनाव का नामांकन होने के बाद भी केजरीवाल जी ने एक विधायक प्रत्याशी का नामांकन रद्द करवा दिया था और हम 70 की जगह 69 सीटों पर चुनाव लड़े थे, क्योंकि उनके खिलाफ कुछ इस तरह के सबूत पाए गए थे और केजरीवाल जी ने बिल्कुल मतलब सीधे तौर पर उनको चुनाव से बाहर निकाल दिया था। अगर वाकई में गणेश जोशी जी के पास सबूत है और उन सबूतों से कर्नल कोठियाल जी का जो गुनाह है वो साबित होता है, तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी इस पर एक्शन लेगी। मैं इस बात से पूरी तरह में केजरीवाल जी की जो काम करने की जो वर्किंग स्टाइल है उनका, उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। तो ये कहना कि मैं तो चैलेंज कर रही हूँ आपके आपके चैनल के माध्यम से गणेश जोशी जी, आप बिल्कुल एक्शन लीजिए। अगर कर्नल कोठियाल दोषी है तो उनको उनको हमारे तरफ से आपके पास भिजवाऊंगा जी वो इंटरव्यू, हमने कर्नल साहब को भिजवाया वो इंटरव्यू। आप पूछिए सुभाष से, सुभाष बता रहे हैं कि हमने किसी भी बार कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की। आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं और आप खामोश हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि जिस केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य को लेकर अगर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वो वाजिब है। आपने जिन परिस्थितियों में काम किया, आपके काम को सलाम है। हम कह रहे हैं एक फौजी के ऊपर इस तरह के आरोप वाकई में कई सवाल खड़े करते हैं। और आप लोगों का खून नहीं खौल रहा तो अनिल भास्कर इसका मतलब सच बोल रहे हैं कि आप लोग जानबूझकर इस पूरे विषय को लेकर जिस तरह से खामोश है, इसका मतलब ये हुआ कि आप बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। जिसका आरोप चावला जी मैं इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज करती हूं कि हम बीजेपी के साथ मिले हुए। मैं फिर बोल रही हूं, बीजेपी के पास सबूत हैं तो कर्नल कोठियाल जी को दोष सिद्ध करें, कर्नल कोठियाल जी को जेल में डालें। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलती हूं, अगर वाकई में कर्नल कोठियाल जी का जो दोष है वो सिद्ध होता है तो केजरीवाल जी एक सेकंड नहीं लगाएंगे उनको उनके पद से हटाने में। मैं बता रही हूं, हमने 69 सीटों पर चुनाव लड़ा था 2013 में, पूरे 17 सीटों पर लड़े नहीं थे। तो ये आम आदमी पार्टी का, हम लोग अपने लोगों को बचाने की कोशिश नहीं करते हैं बीजेपी की तरह। अनिल भास्कर क्या कहना चाह रहे? मैं ये कहना चाहता हूं साहब कि ये जो ठीक है आरोप जो लग रहे हैं, एक राजनीतिक आरोप हो सकते हैं, बहुत बड़ी बात मैं इसको नहीं मानता हूं। लेकिन उससे बड़ी बात मैं ये मानता हूं कि दो विषय जो ऐसे हैं, इसमें एक आर्मी से जुड़ा हुआ मसला है, दूसरा मंदिर से जुड़ा हुआ मसला है। ये दोनों हमारी आस्था का और सम्मान का प्रतीक होता है। आप दोनों चीजों को छलनी करने का काम दोनों पार्टियां मिलकर कर रही हैं। अगर उसमें वास्तव में सबूत है तो इस पे सीधे बयानबाजी होने के बजाय सीधे आरोप लगना चाहिए थे और उसमें वो लिखित में काम होना चाहिए था, उस पे एक्शन होना चाहिए था। ये काम बीजेपी को तत्काल करना चाहिए था। और यदि आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी को बोल रही भाई सरकार आपकी मैडम, मैं दूसरी बात फिर उसी को दोहराना चाहता हूँ। सुन लीजिए मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मैं दूसरी बात भी यही कहना चाहता हूँ। मैं पहले भी उसी बातों का अभी फिर कहना चाहता हूँ। यदि दूसरी बात फिर से अगर बीजेपी ने वो काम नहीं किया तो तत्काल जो है आम आदमी पार्टी के जो कद्दावर आपके नेता है या सबसे बड़े नेता जिसको कह सकते हैं कोठियाल जी, उनको तत्काल उस पर एक्शन लेना चाहिए था। क्योंकि ये हमारा मसला सिर्फ उत्तराखंड से नहीं जुड़ा हुआ है, ये पूरे देश का मसला है और पूरे देश की जनता का मसला है। क्योंकि ये एक आस्था का केंद्र है और उसमें हमें कहीं ना कहीं उसको हर्ट करने का काम दोनों पार्टी मिलकर कर रही है। उमा जी, मैं क्योंकि अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ बीजेपी के एक और धुरंधर चेहरे जुड़ गए। देखिए मैं तो अपने बीजेपी के भाई मेरे बैठे हैं जोशी जी, मुझे 16-17 साल हो गए उत्तराखंड में पत्रकारिता करते हुए। मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं आपको कि ये जो आरोप है, अगर आप खामोश है उस आरोप पर तो कहीं ना कहीं फिर ये साबित होता है कि आपके ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अनिल भास्कर कह रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहे हैं, तो इन आरोपों को लेकर आपकी चुप्पी अपने आप से सवाल खड़ा कर रही। इसका जिक्र सुभाष कर रहे थे, लेकिन मेरे साथ सुरेश जोशी जुड़ गए, मैं उनके पास जाऊंगा। जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। जी जोशी जी, बहुत गंभीर विषय को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं वो विषय क्या है। कुछ रोज पहले हमने इंटरव्यू किया गणेश जोशी जी का और गणेश जोशी जी ने कहा कि कर्नल कोठियाल जो केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य को लेकर अपनी पीठ थपथपाते हैं, फाइल खुलेगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी और हमारे पास सबूत है। और आज कर्नल कोठियाल ने उस इंटरव्यू के बाद यह खुलासा किया, उन्होंने कहा कि मेरे पास एक एक फाइल है, मैं बीजेपी को चुनौती दे रहा हूं, एक एक फाइल है मेरे पास केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य।
अगर चाहे तो बीजेपी ले जाए। जोशी जी। तिलक जी देखिये, गणेश जोशी जी ने अगर कोई प्रश्न खड़ा किया है तो गणेश जोशी जी प्रदेश के एक कद्दावर नेता हैं और इस समय वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और वैसे भी गणेश जोशी जी की सक्रियता आर्मी को लेकर के और आर्मी के सब्जेक्टों को लेकर के भी रहती है। तो कर्नल कुटियाल जी का क्या चरित्र है, कर्नल कुटियाल जी किस तरह के नेता हैं, गणेश जी बेहतर हमसे जानते होंगे। अगर उन्होंने कोई आरोप लगाया है और कर्नल साहब कह रहे हैं कि मेरे पास उसका एक एक आरोप का जवाब है, तो कर्नल साहब अब जो है कि पब्लिक प्रॉपर्टी हो चुके हैं, क्योंकि वो केजरीवाल जी ने उनको यहाँ का मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आप यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जो व्यक्ति पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है, पब्लिक प्रॉपर्टी पर अगर कोई आरोप लगता है तो उनको ये कहने की क्या जरूरत है कि भाजपा ले जाए या तिलक जी ले जाए, उनको खुद प्लेट पब्लिक के प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे वो बिल्कुल निराधार हैं, असत्य हैं, गणेश जोशी जी जो कह रहे हैं गलत हैं। तो वो अभी तक तो बोल देना चाहिए था उनको, इतना देर क्यों कर रहे हो। अभी तो जो गणेश जोशी जी ने उन पर जो आरोप लगाए हैं उसमें निश्चित तौर पर कोई न कोई इस तरह के विषय होंगे जिसमें सत्यता होगी। तो अगर अरविंद केजरीवाल जी उन आरोपों का जवाब नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं उसके बाद दे दूंगा, तो कब देंगे, देना चाहिए। गणेश जोशी जी क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं लग रहे हैं और करना चाहिए। जोशी जी सुनिए, आप लोग भी यहाँ पर पूर्ण राज्य की सरकार, आपके पास दिल्ली नहीं है कि आपके पास पुलिस नहीं है और आपको अपनी फाइलें एलजी से साइन कराना पड़ेगी? भाई आपके पास पूर्ण राज्य की सरकार है, पुलिस आपकी है, आप बिल्कुल इनके जो फाइलें हैं इनको खोलिए और एसआईटी की जांच बिठा दीजिए, सीबीआई जांच बिठा दीजिए कर्नल कोठियाल के ऊपर। आपने क्यों इतनी दया कर रखी है कर्नल साहब के ऊपर? बिल्कुल दया मत कीजिए। अगर कर्नल साहब कल्प्रिट है तो इस लोकतंत्र पर आप तरस खाइए, फिर अंदर कीजिए कर्नल साहब को। आप ये दोगली राजनीति नहीं जोशी जी, दोगली राजनीति नहीं। या तो कर्नल साहब दोषी हैं या कर्नल साहब दोषी नहीं है, दोनों में से एक बात बताइए। ये दोगली राजनीति नहीं, हमें भाई बंधु जवाब नहीं चाहिए। एक एक कर बोलिए जोशी। उमा जी देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर उनपे जो भी आरोप लग रहे हैं उनपे अगर सत्यता है, वो आरोप सही होंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उसका जवाब आपको बहुत जल्दी मिलेगा। वो सरकार करेगी या उत्तराखंड की जनता उस बात को समझेगी नहीं समझेगी। अभी तो देखो, मैं तिलक जी ने बहुत जल्दी में मुझे इस चैनल पर बुलवाया 5-10 मिनट के अंदर। अगर पहले से अगर मुझे इस सब्जेक्ट पर चर्चा है करके पता होता तो मैं सारे तथ्यों के साथ यहाँ पर बैठता और मैं एक एक तथ्य को उजागर भी कर देता। वो तथ्य जो है कि तिलक जी, मैं अपनी बात पूरी कर दू। नहीं बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए। मैं जो प्रश्न उठा रहा हूँ, मेरे प्रश्न को आप सुन लीजिए। मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से भी मैं आपको जानता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सुरेश जोशी, मैं मान गया आपकी बात की 10 मिनट पहले तक। मैं सिर्फ एक छोटे से प्रश्न को, ये आरोप अगर गणेश जोशी की बजाय सुरेश जोशी जी लगा रहे होते तो मुझे मालूम है कि सुरेश जोशी आरोप तभी लगाता है जब उनके पास सबूत होते। मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, आपसे नहीं, आपको मैं 15-16-17 सालों से जानता हूँ कि सुरेश जोशी जी अगर कोई आरोप लगाएंगे तो उनके पास पक्का सबूत होंगे, वो तभी आरोप लगा रहे। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ पर ये खड़ा होता है कि 4.5 साल हो गए गणेश जोशी जी आज ही आरोप लगा रहे हैं, वो सरकार में है, उनके पास अगर सबूत है। मैंने उनके पास 3 बार पूछा, गणेश जोशी जी आप जानते हैं मैं बिना तथ्यों के आधार पर बात नहीं करता आपसे। आप भी जानते हैं कि जब आपके पास तथ्य होते हैं आप तभी आरोप लगाते हैं। मैं जानता हूँ गणेश जोशी जी को, मैंने 4 बार उनसे गणेश जोशी जी से पूछा कि आप सबूत रखिए। वो ये कह रहे कि मैं सबूत रखूंगा। आखिरकार किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? नहीं तिलक जी देखो, मैं एक बात तो बहुत स्पष्ट तौर पर कह दूं कि आरोप लगाने के पीछे, अगर मैंने कहा ना पहले भी, गणेश जोशी जी ने अगर कोई आरोप लगाए हैं तो निश्चित तौर पर वो एक सरकार के बहुत जवाबदेह मंत्री हैं, उन पे इस बात के पुख्ता प्रमाण भी होंगे। और जो बहन उमा जी ने कहा कि आपने जो आरोप लगाए हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, देखो दोनों विषय हैं, आरोप भी है और कार्रवाई भी है। तो अब इस विषय पर देखो कि गणेश जोशी जी ने जो तथ्य इकट्ठा किए हैं, और ये भी हो सकता है कि जो आरोप लगे हैं तो उस पर बहुत जल्दी कार्रवाई भी हो जाए और जो उसकी प्रमाणिकता है तो उसके आधार पर कानून तो अपना काम करेगा। कानून अपना काम करने से रोक नहीं सकता, चाहे मैं हूं, चाहे कर्नल साहब हो, चाहे कोई और हो। तो इसलिए ये जो बात आपने बोली है, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर बहुत जल्दी उत्तराखंड की जनता के सामने ये सारे तथ्य, सारे सबूत, सारे आरोप और सारा विषय मुझे लगता है जल्दी आ जाएगा। अनिल भास्कर क्या कहना चाह रहे हैं आप? अपनी बात रखिए, फिर उमा जी आपके पास।
मैं यही कहना चाहता हूं हमारे बीजेपी के जो हमारे सम्माननीय प्रवक्ता हैं कि ये जो जिस प्रकार का प्रकरण है इसमें गणेश जोशी जी को बोलने से पहले वो सीधा सीधा इस पर एक्शन उन्होंने क्यों नहीं लिया, और इसमें मोदी जी की इतनी आस्था केदारनाथ में होती है तो वो तो मोदी जी की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं इस प्रकार से, और ये समझ लीजिए कि मोदी जी की आस्था के साथ साथ हम लोगों की भी आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं बीजेपी के अपने प्रवक्ता से निवेदन करना चाहता हूं कि वो माननीय गणेश जोशी जी और जो और भी जिसमें जुड़े हुए प्रकरण है उसकी तत्काल खुलासा करवाएं, और गणेश जोशी से पूछे उनसे कि जब आपके पास सबूत था तो सीधे आपने रिपोर्ट क्यों नहीं कराई, आप क्यों प्रकार में हिंदू की आस्था का जो प्रतीक है इतना बड़ा हमारा सम्माननीय जो केदारनाथ मंदिर है उसको आप राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं और बीच में उसका इस्तेमाल करके जिस प्रकार से आप वोटों की राजनीति कर रहे हैं उससे कम से कम बाज आना चाहिए, इस तरह काम नहीं करने चाहिए। तिलक जी, पहली बात तो देखो मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कर दूं कि हम कभी भी किसी मंदिर का, किसी मस्जिद का, किसी मठ का या किसी गुरुद्वारे का प्रयोग राजनीति में नहीं करना चाहते हैं। लेकिन नहीं, जो इस देश की परंपरा है, जो इस देश की संस्कृति है, जो इस देश की बहुसंख्यक समाज की भावना है, जोशी जी, उस भावना आप उस कितना करना चाहते हैं, कितना नहीं करना चाहते हैं, पूरे देश को पता है। आप सिंपल मुझे ये बताइए कि आप कर्नल कोटियाल जी के ऊपर एफआईआर कब करवा रहे हैं, बस उसका जवाब दे दीजिए। अगर आपके पास सबूत है, तो कब आप सलाखों के पीछे भेज रहे हैं? उमा जी, मैं देखिए आपके बीच में मैं नहीं बोला, आप अपनी बात को रखिए, मैं तो कभी रोकता भी नहीं किसी को। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि हम आपको जानते हैं या आपके विषय को जानते हैं, मैं सिर्फ इतना आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस देश की संस्कृति परंपरा भगवान भोले की है, भगवान कृष्ण की है, भगवान राम की है, अगर इस देश का प्रधानमंत्री हिंदुत्व को मानने वाला एक हिंदुत्व का बेटा या हिंदुत्व का भाई है तो वो राम मंदिर में जाकर के रामशिला को रख करके राम मंदिर का निर्माण की शुरुआत करता है, काशी के अंदर जो है एक भव्य मंदिर का स्वरूप बना करके दिखलाता है, केदारनाथ पे जाकर के भगवान भोले के दर्शन करता है, तो इस पर नहीं, ये प्रचार आप ना करें उस, और इधर आप घोटाला भी होते देख रहे हैं, ये झूठा प्रचार ना करें। मोदी अकेले हिंदू नहीं है, सुन तो लीजिए, केदारनाथ में आप घोटाला होते देख रहे हैं और वहाँ काशी में घूम रहे हैं, ऐसे नहीं है। सुनिए, आप कह रहे हैं घोटाला, आप झूठा प्रचार कर रहे हैं। जब हमने हम कैसे झूठा प्रचार कर रहे हैं, आपकी पार्टी ने कहा है, आपके नेता ने कहा है, फिर वही बनाएंगे तो कांग्रेस वहां पर भी आपने घोटाला किया होकर के कहा, हमारी मजाक बनाई, रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। केजरीवाल जी को तारीख भी बता दिया, आज के डिबेट को ये बीजेपी वाले हमेशा ही हर डिबेट को लेकर मंदिर मंदिर करवा दिए जाते हैं। एक सेकंड उमा जी, एक मिनट के छोट पर आप इनको बीजेपी को चैलेंज कर रहे हो कि अगर आपके पास सबूत है तो कल ही कर्नल कोठियाल को आप अंदर कीजिए, जिनकी सलाखों के पीछे डालिए। लेकिन इनको जो तोता डटन होती है बीजेपी की, वो मंदिर और मस्जिद, मंदिर और मंदिर, मंदिर मंदिर मंदिर, उसी हर हर डिबेट हर विषय को सीधा उठाए और मंदिर में लेकर जाएंगे। उमा जी देखिए, अगर कोई समाज हजारों साल से प्रताड़ित होगा, उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया होगा, उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति, उसके धर्म को समाप्त किया गया होगा, वो बार बार बोलेगा मंदिर, वो बार बार मंदिर बोलेगा, इसलिए बोलेगा कि क्योंकि उसकी आप भी मंदिर बोलते हैं, तिलक जी भी मंदिर बोलते हैं, लेकिन हम खुल के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मंदिर बोलते हैं, आप लोग जो अंदर बोलते हो, हम तो अंदर भी बोल रहे हैं, बाहर भी बोल रहे हैं। ये आप लोगों का बहम है, ये आप लोगों का दुष्प्रचार है। प्लीज एक सेकंड, मैं जिस विषय पर जाना चाह रहा हूँ, जोशी जी आपने बिल्कुल सही कहा, आपने कहा कि आस्था से खिलवाड़, अगर केदारनाथ आपदा के दौरान, पुनर्निर्माण कार्यों के दौरान कोई घोटाला हुआ तो क्या ये आस्था से खिलवाड़ नहीं है? देखिए, केदारनाथ के नवनिर्माण में अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर घोटाला किया है, सबसे पहले तो हम तो कानून संबद्ध जो भी काम होगा वो करेंगे, निश्चित तौर पर सजा मिलेगी, लेकिन उससे पहले नहीं, तिलक जी मैं यही कह रहा हूँ, केदारनाथ के नवनिर्माण में किसी भी व्यक्ति ने अगर घोटाला किया है, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो चाहे छोटा व्यक्ति हो, कानून उस पर काम भी करेगा और उसको सजा भी मिलेगी। लेकिन उससे पहले, मैं तो उससे भी बड़ी बात कह रहा हूँ, उस भगवान भोले के दर पे अगर किसी ने ऐसा कृत्य किया होगा तो वो तो बहुत बड़ी सजा होगी, पाप हो जाएगा,
अरे सब कब होगी, आप तो बचाने का काम कर रहे हैं, आप बचाने का काम क्यों कर रहे हैं? हम इस बात को कह रहे हैं, आपने तीन चार साल से, चार साढ़े चार साल से बचाने का काम क्या हुआ है? गणेश जोशी जी से बयानबाजी कर रहे हैं, केदारनाथ की पुनर्निर्माण आज से 7 साल 8 साल पहले हुआ था, 2013 की आपदा थी, उसके बाद ही पुनर्निर्माण कार्य हुआ, साढ़े चार साल से आपकी सरकार है, आपके पास सबूत है, अब तो आपको कर्नल साहब को जेल के खिलाफ आप दो सबूतों पर आकर बैठे हुए चुनाव के टाइम आरोप लगाने के लिए। ये फिर दाग जो है जो छींटे हैं अनिल भास्कर आपके ऊपर क्यों आएंगे, क्योंकि हरीश रावत का कार्यकाल था उस दौरान। अगर ये छींटे हरीश रावत जी पर भी आते हैं तो इसको सरकार को ओपन करना चाहिए, लेकिन साफ साफ करना चाहिए और तत्काल सामने लाना चाहिए। ये जो घुमा करके राजनीति करने कर करके और जो भगवान का नाम बीच में बदनाम कर रहे हैं, उस काम से उस चीज से इनको बाज आना चाहिए। हम ये बात कहना चाहते हैं तो सीधे कहें, उन्होंने नहीं उन्होंने उन्होंने कोठियाली पर आरोप लगाया तो सीधे सीधे कहें उन्होंने हरीश रावत जी का कोई नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा है कोठियाल जी ने आरोप आरोप लगाया है और जो फाइल है उनके पास की, तो सीधी सी बात है उन्होंने। अब उनका भी नाम ले वो कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सरकार उनकी थी, कार्यकाल काम किया कर्नल कोठियाल ने, तो सरकार तो उनकी थी हरीश रावत जी की, नहीं हरीश रावत जी की सरकार थी। अगर गणेश जोशी जी के पास, हम वही बात कर रहे हैं ना, गणेश जोशी जी के पास सबूत है, तत्काल सामने लाना चाहिए, क्यों आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं वो, इसी बात को हम कहना चाहते हैं। क्यों केदारनाथ मंदिर का नाम लेकर के वो वोटों की राजनीति कर रहे हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सीधे सीधे दोषियों को सामने लाए, उसमें जो भी दोषी हो सबको सामने लेकर के आए, और अभी उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा कि गणेश जोशी जी अपनी बात हो के आप एक गणेश जोशी जी बात रखे, फिर सुभाष में आपके पास आता। देखिए तिलक जी, पहली बात तो यह है कि मैंने पहले भी कहा कि जो गणेश जोशी जी ने आरोप लगाए हैं, अगर उन आरोपों में ऐसी असत्यता नहीं हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के एक सीनियर मिनिस्टर ने आरोप लगाए हैं, और जहां तक देखिए सजा का विषय है, जहां तक जो है कि उनके ऊपर FIR होनी चाहिए या उनके ऊपर कानून संबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे लगता है बहुत जल्दी ये भी हो जाएगा, क्योंकि जब उन्होंने आरोप लगाया है गणेश जोशी जी ने और आपने मैंने उनका इंटरव्यू लिया है, तो निश्चित तौर पर, देखिए मैं आपको निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि एक आध दो तीन चार दिन के अंदर ये कार्रवाई भी हो जाएगी जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर जो आरोप उन्होंने लगाया तो भाई जी आप चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, आपको पता है कर्नल कोठियाल बहुत खराब आदमी है, बहुत इन्होंने घोटाले किए हैं, तो भाई आप अब तक किसका इंतजार कर रहे थे? आप पहले ही उनको अंदर कर देना चाहिए था, यानी कि कहीं ना कहीं तो बीजेपी सरकार भी दोषी है कि वो दोषियों को मतलब बिल्कुल उन्होंने छोटा छोड़ा हुआ है कि जो भी घोटाले करो सड़क पे घूमते रहिए। अगर कर्नल कोठियाल राजनीति में ना आते तो ये आरोप ही नहीं लगता उनके ऊपर, अगर जब तक कर्नल कोठियाल साधारण आदमी थे तब तक तो आपने ये आरोप तक भी नहीं लगाया, कम से कम उनकी इतनी इज्जत तो हुई कि आपने उनके ऊपर आरोप लगा दिया। नहीं, उमा जी मैं एक बात आपको बताऊं, ऐसा तो नहीं है कि उनके ऊपर आरोप नहीं लगा, मैं आपको एक बात बतलाऊं कि इससे पहले भी जब वो राजनीति में नहीं थे, वहां पर काम कर रहे थे, आपको ध्यान होगा कि रुद्रप्रयाग के भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता थे जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, अजय, उन्होंने एक बार नहीं दसों बार इस बात को बोला, उन्होंने दसों बार इस बात को बोला कि कर्नल कोठियाल ने जो है यहाँ पर को जो काम किया है उसमें अनियमितता है, और उसने जो है कि कई जो बड़े अधिकारी हैं और साथ ही जो उन्होंने जो तत्कालीन सरकार है ऐसे करके, ये विषय तो आया था पहले भी, ऐसा नहीं कि आप ये नहीं कह सकती है, नहीं, आया है। लेकिन इस विषय के अंदर जो प्रमाणिकता है, जैसे तिलक जी ने कहा है कि उस प्रमाणिकता को माननीय गणेश जोशी जी ने, इनका जो साक्षात्कार इन्होंने लिया है उस साक्षात्कार में वो विषय आया है, इसलिए मैंने कहा ना, मैंने पहले ही कह दिया कि भाई मुझे तो अभी 5 मिनट पहले बताया गया कि सब्जेक्ट में बहस होनी है, अगर मुझे आधा घंटा के अंदर अगर ये समय दिया गया होता तो मैं उसके सारे तथ्य ला करके आपके सामने भी रख देता कि भाई क्या क्या तथ्य है और किस विषय पर चर्चा हो रही है। देखिये हम लोग अगर पार्टी के प्रवक्ता है, हर विषय के हम विशेषज्ञ हों जरूरी नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आप भी सुरेश जी जानते हैं जितना व्यक्तिगत रूप से मुझे, मैं बिना सबूतों के आधार पर इस तरह की चर्चा नहीं करता, जब तक इस तरह के आरोप जो सामने आए, और आप मुझे बहुत लंबे समय से जानते हैं, मैं आप जानते हैं इस बात को कि जब तक मैं आरोपों के आधार पर चर्चा तभी करता हूं जब कोई बड़ा नेता, अगर आपको कोई छोटा नेता इस तरह के आरोप लगाता तो मैं उसको चर्चा के विषय में लाता ही, मैं चर्चा के विषय में बिल्कुल नहीं लाता,
लेकिन उमा जी जो बात कह रहे हैं सीधे तौर पर जोशी जी, वो ये कह रहे हैं कि ये बात तो पहले भी सामने आई है, अजेंद्र अजय का वो जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे नेता ने इस तरह की बातें आरोप लगाए थे कि कर्नल साहब ने कहीं ना कहीं खामियां की है पुनर्निर्माण कार्यो में। ये पहली बार चावला जी सरकार आपकी, कोतवाल आपके, आरोप लगाने वाले नेता आपके, जांच एजेंसियां आपकी, सब कुछ तो आपके हाथ में है भाई। जोशी जी को तो कल ही अब तक वेट ही नहीं करना चाहिए था। इसके पीछे दोषी कौन है आप हमें बताइए? 4.5-5 साल से 2013 के बाद एक व्यक्ति जिसने की घोटाले किए और वो लगातार समाज में खुला घूम रहा है, तो इसके पीछे दोषी वो आदमी है कर्नल कोठियाल या आप लोग दोषी हैं? अगर वाकई में कर्नल कोठियाल साहब ने कुछ गलत किया है तो अब तक तो आपको उनको पकड़ के अंदर कर देना चाहिए था। दोषी कौन? दोषी आपकी आपकी व्यवस्था हुई ना, दोषी आप लोग हुए कि आप लोगों को पता है कि एक आदमी दोषी है, दोष करके भागा हुआ है, भागा भी नहीं है, सड़क पे घूम रहा है, सब लोगों के सामने है, और उसके बावजूद आप लोग ने उसको अगर छोड़ा हुआ है तो इसके पीछे दोषी कौन? इसके पीछे दोषी तो आप ही लोग हैं। क्या आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि अपराध होने दीजिए और अपराधी को घूमने दीजिए? जब वो अपराधी जो है चुनाव में चला जाएगा तब आप उस पर आरोप लगाएंगे। मैं उमा जी वो बयान भी सुना देता हूँ जो इंटरव्यू हमने लिया था गणेश जोशी जी का, और उस आरोपों का जवाब कर्नल कोठियाल ने आज दिया। सुभाष से खूब सवाल पूछा था। सुभाष मुझे एक बात बताइए, इस पूरे प्रकरण को लेकर जिस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं, क्योंकि अनिल जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी जानबूझकर इस तरह की परिस्थिति पैदा कर रही है कि ये लड़ाई दिखाई दे कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का समाधान। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं और न्यूज वर्ल्ड इंडिया लगातार ये बात कह रहा है कि हमें इस पूरे मसले को लेकर हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है कि हम उस आरोपों के आधार पर सवाल पूछ रहे हैं। हमने कर्नल कोठियाल को लेकर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया, ये आरोप कैबिनेट मंत्री का है और उनके पास कोई सबूत है तो सामने रखने चाहिए, और कर्नल साहब के पास जितना सिख रहा वो करे कि मेरे पास पूरी फाइल है, अगर चाहिए तो मैं दे दूंगा। क्या हरीश रावत को? अब मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि पुनर्निर्माण कार्य हरीश रावत के कार्यकाल, तो इसका मतलब हरीश रावत को भी पूरे मसले को लेकर जवाब देना चाहिए कि नहीं? सुभाष कौर जी, बिल्कुल जवाब देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री उस समय हरीश रावत थे। लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि उन्होंने ये भी कहा कि कर्नल साहब कोई सेना के मैं समझता हूँ सैनिक नहीं है, उन्होंने कहा कि वो कोई समाज सेवी के कार्य नहीं कर रहे थे, वो वहाँ पैसे ले रहे थे, नौकरी कर रहे थे, तनख्वाह ले रहे थे, और उसके दौरान उन्होंने ये काम किए जिसके चिट्ठे हम जल्द खोलेंगे। लेकिन वो दिन कब आएगा ये अभी उन्होंने साफ नहीं किया, जैसे कि अभी सुरेश जोशी जी भी कह रहे थे कि जल्द करेंगे, लेकिन वो जल्द कब होगा? जब आचार संहिता लग जाएगी उस दिन का इंतजार किया जा रहा है। वहीं जब इस बारे में खुला बयान गणेश जोशी जी दे चुके थे कि हमारे पास सभी सबूत हैं, हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट हैं, हम जल्द सामने लाएंगे, तो आम आदमी पार्टी की भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि उनके जो सबसे बड़े लीडर हैं उत्तराखंड में, अनिल जी ने कहा कि ऐसे आरोप हमारे नेता पे लगे होते हम धरने पर बैठ जाते। उमा जी को उन्होंने कहा कि अगर आपको दिक्कत है कर्नल साहब धरने पर नहीं बैठ सकते तो आप बैठ जाइए धरने पर, पूछिए गणेश जोशी जी से कि वो कौन से सबूत है जिसको लेकर बदनाम कर रहे हैं आप कर्नल साहब को, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं ना सुभाष? बिल्कुल, सवाल क्यों नहीं खड़े होंगे जब जवाब देने से आम आदमी पार्टी कतराएगी। और ये कहा जा सकता है कि लगभग 20 दिन से ज्यादा का समय हो गया ना इस बारे पर कोई बात चर्चा की गई ना इस, जब हम लोग मैंने जैसे पहले बताया हम उनके पार्टी कार्यालय पहुंचे, पार्टी कार्यालय में जो मीडिया टीम है उनसे बात की, जो बड़े उनके प्रवक्ता उनसे बात की, कोई भी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। बयान सुना देता हूं, ओके, वो इंटरव्यू करने के दौरान तो हमने तो सवाल पूछे थे गणेश जोशी से, वो बयान हम बीच में से उसको हटा देंगे, लेकिन वो बयान सुनाना बहुत जरूरी है, प्लीज उस बयान को प्ले करिए, और फिर फाइनल कमेंट ले रहा हूँ मैं सुरेश जी आपसे, प्लीज प्ले करिए जहाँ पर गणेश जोशी ने उस इंटरव्यू के दौरान तमाम आरोप लगाए और उसका जवाब आज कर्नल कोठियाल ने दिया, प्लीज प्ले करिए। कर्नल कोठियाल ने भी तो जनसेवा की आपकी तरह। कर्नल कोठियाल ने कोई जनसेवा का मुझे उदाहरण बताइए क्या किया उन्होंने? केदारनाथ, हाँ, केदारनाथ में उन्होंने नौकरी करते थे, तनखा ली, जो काम मिला वो काम को ठेकेदारों से काम कराया, उसको जनसेवा नहीं बोलते हैं? फ्री में उन्होंने कोई काम नहीं किया, उसका बकायदा उन्होंने पैसा लिया गया। जो आप जिस परिपेक्ष में आप बात करना चाहें वहां का इशारा कर रहा हूँ, जिससे केदारनाथ की आप बात कर रहे हैं जी, उसकी परतें उगड़ेंगे तो बहुत चीजें निकल जाएंगी, चुनाव में बात करेंगे उस चीजों की। सरकार आपकी थी, आप खोलते परतें, देखिए वक्त आएगा तो वो चीज भी आएगी। लेकिन कहना मैं हूं किसी पर व्यक्तिगत आरोप के पक्षधर नहीं है। नहीं, केदारनाथ में अगर कुछ हुआ तो आपको परतें खोलनी चाहिए थी, सरकार आपकी है। नहीं, जब आशी की आवश्यकता महसूस होगी, देखिए जब लड़ाई होती है
तो सारा एमनेशन एक साथ नहीं निकल जाते, सारे हथियार एक साथ नहीं निकाले जाते। कभी पहले एयर बम्बार्डमेंट होता है, फिर टैंक चलते हैं, फिर पैदल सेना जाती है, तो जब वक्त आएगा तो उस हिसाब से बातचीत। ऐसा महसूस हो रहा है कि फौजी के सामने फौजी आकर कहेगा और आपके पास कुछ टैंक में बारूद है, लग रहा है आपकी बातों से। मैंने कहा देखिए जब वक्त आएगा तो, और जोशी जी फ्रंट पर आके लड़ाई लड़ेंगे। नहीं देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का फाइटिंग फोर्स का सिपाही हूँ, मेरी पार्टी जब मुझे जिम्मेदारी देती है, आपने देखा होगा मैं सबसे आगे रहता हूं। आप कर्नल को चुनौती दे रहे हैं? मैं कह तो रहा हूँ कि एक क्या ऐसे कई कर्नल आ जाए तो भारतीय, मैं कह रहा हूँ आज देखिए मोर्चे पर सिपाही लड़ता है, सिपाही भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमांड जनरल करता है, सारे जनरल हमारे पास। जितनी पर्चियां हमारी फाइलें खोलेंगे उतना उनको सीखने को मौका मिलेगा और वो बातें करने के अलावा काम करना भी सीख जाएंगे जरूर। अब बस बचे हमारे पास 30 सेकंड, इन 30 सेकंड में फाइनल कमेंट लूंगा सुरेश जोशी जी आपसे। सरकार आपकी गेंद आपके पाले में, कर्नल कोठियाल कह रहे हैं कि एक एक फाइल मेरे पास है, आ जाइए और सबूत ले लीजिए, आप क्या करेंगे सुरेश जोशी जी? देखिए पहली बात तो मैं ये बताऊं कि माननीय मंत्री जी ने अगर कोई आरोप लगाया तो उसमें निश्चित तौर पर कोई सत्यता होगी, और दूसरा पहलू ये भी है कि अगर कर्नल कुछ नहीं किया है तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड के जननेता वो बनने जा रहे हैं, उन्होंने भी जो आरोप उन पे लगाए हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आके कहना चाहिए कि भाई मैंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ चाहिए मेरा कहना, लेकिन कानून अपना काम करेगा। ओके उमा जी, और फिर उसके बाद अनिल भास्कर जी आपसे फाइनल कमेंट दे रहा हूं। उमा जी कब बैठ रही है धरने पर, अनिल जी पूछ रहे हैं। देखिए मैं तो बिल्कुल इस बात को बोल रही हूं और मैंने पूरी डिबेट के दौरान इसी बात को कहा है कि अगर कर्नल साहब वाकई में कल्पित हैं तो इसकी एक पूरी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और अगर आपके पास सबूत हैं तो आज केदारनाथ आपदा तो है, अगर आपके पास तब से आप लोगों के पास सबूत है तो बिल्कुल आप लोग जांच कराइए, और अगर कर्नल साहब दोषी है तो उनको दोषी है, आप तो धरना किंग है, धरने पर बैठ के दिखाइए ना आप यहां। मैं इस बात को अपने हाई कमांड के पास जरूर रखूंगी कि अगर कर्नल साहब दोषी नहीं है तो हम लोग इस कर्नल साहब को भी स्टैंड होना है, वो बिल्कुल नहीं है। कर्नल साहब को तो मैंने भेज दिया, आपको भी इंटरव्यू भेजा? नहीं नहीं बिल्कुल, आप मेरे को इंटरव्यू भेजिएगा जी तिलक भाई। पक्का मैडम? बिल्कुल बिल्कुल भेजा हुआ है आपको, भेजा हुआ है। फाइनल कमेंट आपका जल्दी से। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के आरोप लगाना बीजेपी का पुराना काम हो गया है कि जब भी चुनाव आते हैं कोई ना कोई आरोप लगाते हैं इस प्रकार से, जिससे कि चुनाव में वो लोगों को गुमराह कर सके, असली मुद्दों से ध्यान भटका सके। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि जिस प्रकार से उन्होंने केदारनाथ मंदिर को और जिस प्रकार से उन्होंने सेना को बीच में सवाल खड़े कर करके उन्होंने बदनाम करने का काम किया है, उसके लिए उन्हें तत्काल ठोस सबूत के साथ सामने केस ले आना चाहिए, लेकिन वो केस ठोस होना चाहिए। ये ना हो कि चुनाव तक तो वो राजनीति होती रहे और उसके बाद वो केस दफा रफा दफा हो जाए, झूठा निकले, जैसा कि अभी तक हरियाणा में, राजस्थान में और कई जगह हुआ है, ये स्थिति होती है, उसके बाद कोई एक्शन नहीं होता, वो झूठा केस पाया जाता है, चाहे उसमें किसी प्रकार नाराज हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी आप हरियाणा का नाम। अब उनको तो दिक्कत भी, उनको तो दिक्कत घोड़े से भी होगी जब वो। ओके ओके अनिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सुरेश जी आपने धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपका भी और अनिल जी आपका भी, आपका धन्यवाद। तौर पर आरोप प्रत्यारोप पर राजनीति का नहीं है, हम ये चाहते हैं इस पूरे मसले को लेकर अगर कोई सबूत गणेश जोशी जी के पास है तो उन्हें वो सार्वजनिक करने चाहिए और बताना चाहिए कि आखिरकार हकीकत है क्या। इस चर्चा को पीछे करवाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना है कि आरोप बेहद गंभीर कैबिनेट मंत्री ने लगाए और मुख्यमंत्री पद के चेहरे आम आदमी पार्टी के चेहरे पर लगाए और जो खुद कर्नल है, इसलिए हम चाहेंगे कि इस पूरे मसले को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि आखिरकार सच्चाई है। सुभाष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे एक ऐसे मुद्दे के साथ और पूछेगा उत्तराखंड न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।